और देखिए लड्डुओं को यहाँ पन्नियों में पैक किया जा रहा है। अरे यहाँ कोई आनंद की कोई सीमा है क्या? सारी सीमा पार होगी आनंद की। सभी भक्तों को मेरी राधे राधे। मैं प्रियासन तारा सर स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल ब्रज महिमा में, और सर्वप्रथम मैं सभी भक्तों को लड्डू होली की ढेरों ढेरों बधाइयाँ देता हूँ। आज हमारी लाडली जी के महल में संसार से अनोखी लड्डुओं की होली होने वाली है। ठीक 4 बजे यहाँ लड्डू होली शुरू हो जाएगी, और जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं कि यहाँ समस्त गोस्वामी समाज एकत्रित हो चुका है लाडली जी के चरणों में होली के पद गायन के लिए। तो आइए चलते हैं और आनंद लेते हैं आज की दिव्य होली का, जिसको लड्डू मार होली कहा जाता है। हम लाडली जी महल पहुंच चुके हैं श्री जी के चरणों में। आइए आज के उत्सव के समय पूज्य महाराज श्री से जानते हैं। महाराज जी राधे राधे। जय श्री राधे। आज हमारी लाडली जी के चरणों में जो उत्सव होने वाला है वाको आप एक बार वर्णन करो। आज लाडली जी के चरणों में बड़ा ही दिव्य उत्सव है। पहले तो सब जो भी देख रहे हैं एक बार होली की भाव से बोलिए, बोल बरसाने वारी की, होली के रसिया की, अलबेली सरकार की, सच्चे दरबार की, भक्तों के प्यार की, जय जय श्री राधे। होली का आज विशेष आनंद है, और आज लाडली लाल की अष्टमी तिथि है फागुन की, और आज मंदिर में आप दिव्य प्रांगण में दिव्य नज़ारा देख रहे हैं कि आज लाडली सरकार के पूरे परिवार के सब गोस्वामी समाज के लोग आज सज कर उमंग में पगड़ी पहनकर दुपट्टा डालकर होली का इतना उत्साह है, इतना उत्साह है। देश विदेश से लोग आ चुके हैं, राधा रानी का प्रांगण लबालब भरा चुका है। भावुकों की यही मांग है कि कब होली का लड्डू मार होली उत्सव हो और शुरू हो। ब्रज की अनोखी परंपरा है, कभी फूल होरी हो रही है, कभी फूल फेंक, कभी गुलाल फेंक, कभी लड्डू मार, कभी लठ मार, ब्रज का कुछ ना कुछ मार में ही होली होती है। आज अष्टमी के दिन इतने ब्रजवासी प्रसन्न हो गए, आनंदित हो गए कि भक्तों को इतनी आनंद की उत्सुकता हुई कि राधा रानी की खुशी में कुंटलों मनो कुंटलों पता नहीं कितनी गिनती है चूर मोती चूर के लड्डू फेंक फेंक कर और गाते हैं लड्डू मार होली की, लड्डू मार होली की, लठा मार होली की। ऐसा दिव्य आनंद जी। राधे राधे। आपने बहुत सुंदर जानकारी दी राधे राधे। और मैं आपसे एक जानकारी और निवेदन करूं कि लड्डू होली के लिए 1 टन लड्डू बनवाए गए हैं, और उन्हीं लड्डुओं से यहाँ संसार से अनोखी लड्डुओं की होली खेली जानी है लाडली जी महल से। और अब हम पहुँच चुके हैं लाडली जी के श्री चरणों में, और आपको दिखाते हैं यहाँ का कैसा अद्भुत नज़ारा है। और अब की बार यहाँ आकस्मिक चिकित्सा केंद्र भी बनाया गया है। देखिए किसी भी श्रद्धालु को अगर कोई परेशानी होती है तो उसको यहाँ प्राथमिक उपचार दिया जा सके, उसकी भी व्यवस्था अब की बार प्रशासन ने की है। अब की बार बड़ी सुंदर व्यवस्थाएँ प्रशासन और शासन की तरफ से यहाँ की गई हैं, और समस्त गोस्वामी समाज यहाँ एकत्रित हो चुका है लाडली जी के श्री चरणों में। और जैसे ही 4 बजेंगे यहाँ लड्डू होली प्रारंभ हो जाएगी। आइए मैं आपको दर्शन कराता हूँ, यहाँ समस्त गोस्वामी समाज एकत्रित हो चुके हैं लाडली जी के श्री चरणों में। और देखिए लड्डुओं को यहाँ पन्नियों में पैक किया जा रहा है होली के लिए। अब की बार 1 टन लड्डू बनवाए गए हैं संसार से अनोखी लड्डू होली के लिए, और ये श्रद्धालु पन्नियों में पैक करके लड्डुओं को रख रहे हैं। इन्हीं के माध्यम से आज यहाँ होली खेली जानी है, और समस्त गोस्वामी समाज हमारी राधा रानी के चरणों में एकत्रित हो चुका है। आप उसके भी दर्शन करें। आज बड़ा ही अनोखा नज़ारा हमारी किशोरी जी के दिव्य महल का है। सभी गोस्वामी समाज पूरे आनंद में पूरे उत्साह में यहाँ एकत्रित हुए हैं, क्योंकि समस्त संसार से अनोखी है हमारे ब्रजमंडल की लड्डू होली। ऐसा नज़ारा श्रीधाम बरसाने में ही देखने को मिलता है, और इस आनंद को लेने के लिए देवता भी आकाश से धराधाम पर उतर करके आते हैं। ऐसी दिव्य महिमा है हमारी राधा रानी की लड्डू होली की। और कल शाम को 4 बजे नंदलाला श्री नंदगांव से यहाँ पधारेंगे होली खेलने के लिए। और आइए अब आपको दर्शन कराते हैं श्रद्धालुओं की श्रद्धा के। देखिए आज कितनी संख्या में श्रद्धालु पधारे हैं हमारी राधा रानी की लड्डू होली में आनंद लेने के लिए। आप देख सकते हैं जहाँ तक निगाह जाती है वहाँ तक केवल श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीधाम बरसाना की लड्डू होली की, और इस होली का आनंद लेने के लिए देवता भी आकाश लोक से अनेकों रूप धारण करके धराधाम पर उतर करके आते हैं।
बोलिए होरी के रसिया की जय। अब हम ठीक उस स्थान पर पहुंच चुके हैं जहां से लड्डू होली होनी है। यहीं से लड्डुओं की बारिश समस्त श्रद्धालुओं के ऊपर की जाएगी। आज हमारी किशोरी जी की सखियां नंदगांव फाग आमंत्रण लेकर के हड़िया में गुलाल लेकर के वहां पहुंची लंद्राला को निमंत्रण देने के लिए, और वहां से फिर पांडे जी यहां पधारे लाडली जी को समाचार देने के लिए। हे किशोरी जी, हमारे लाला ने आपको निमंत्रण स्वीकार कर लियो है और लाला कल शाम को 4 बजे होली खेलवे के लिए पधारेंगे। किशोरी जी इतनी खुशी भई, इतनी खुशी भई, यह समाचार को सुन के नहीं आ, और पांडे जी के मुंह में लड्डू भर दिए, क्योंकि ब्रज में कहो जाए है कि भैया तेने बड़ी अच्छी खबर सुनाई, तेरे मुंह में घी शक्कर। और उसी होली के उपलक्ष में यहाँ समस्त श्रद्धालुओं पर लड्डुओं की बारिश लाडली जी महल से की जाती है। ये ब्रजमंडल की अनोखी होली है जिसके आज आप दर्शन ब्रजमेवा चैनल के माध्यम से करेंगे। तो आपको दिखाते हैं कितनी संख्या में श्रद्धालु पहुँचे हैं इस होली का आनंद लेने के लिए। आप भी दर्शन करें। यह देखिए किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है आज लाडली जी महल श्री धाम बरसाना में। जहां तक निगाह जाती है वहां तक श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आते हैं। और कल ठीक 4 बजे शाम को नंदलाला नंदगांव से पधारेंगे अपने सखाओं के साथ यहां लठामार होली खेलने के लिए। और देखिए ये गोसाई बालक किस उत्साह में होली खेलते हैं, उसके भी मैं आपको दर्शन कराता हूँ। देखिए लड्डू हाथ में लेकर के तैयार खड़े हैं, और देखिए इनका निशाना कितना अचूक है, दिखाइए एक बार। महाराज आप जहाँ पे लगा सको काउ में तो लगे कोई हाँ रानी। और ये हमारी किशोरी जी का नाम लेकर के देखिए, ये भक्त के हाथ में चला गया, सीधा लूप लिया है, लपक लिया है। ये देखिए इसी प्रकार का आनंद रस बरसता है श्रीधाम बरसाना में। और जय जय श्री राधे। मैं आपसे निवेदन करूं, आनंद कोई और नहीं, साक्षात भगवान कृष्ण को ही आनंद कहा जाता है। और हमारे ठाकुर जी साक्षात किशोरी जी के चरणों में विराजते हैं। ऐसी अद्भुत महिमा है हमारी राधा रानी की, और ऐसी अद्भुत महिमा है श्रीधाम बरसाना की। और अब हमें भी किशोरी जी महल से प्रसादी टोपी मिल चुकी है जिसको हमने पहन लिया है। आज इसी टोपी को पहन करके होली का आनंद लेंगे। और आपको दिखाता हूँ मैं कि श्रद्धालु कितनी उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब हमारी किशोरी जी के महल के पट खुलें और कब हमें किशोरी जी के दर्शन प्राप्त हों। आज लाखों की संख्या में श्रद्धालु देश और विदेश से पधारे हैं हमारी लाडली जी की लड्डू होली देखने के लिए, क्योंकि जीव के जब अनेकों जन्मों के पुण्योदय होते हैं तब ऐसे मंगलमय अवसरों पर उपस्थित होने का जीव को लाभ प्राप्त होता है। ठाकुर जी की ऐसी लीलाओं का आनंद लेने का अवसर जीव को प्राप्त होता है। और देखिए एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ राधा रानी के श्रीधाम बरसाना के। आप किशोरी जी की ऊंची अटारी से दर्शन कीजिए श्रीधाम बरसाना के। और देखिए कितना उत्साह है इन भक्तों में हमारी राधा रानी की प्रति और राधा रानी की होली के प्रति। समस्त संसार से देश और विदेश से यहाँ श्रद्धालु पधारे हैं। और एक बार मैं आपको दर्शन कराता हूँ किशोरी जी के महल पर फहराती हुई लाडली जी की पताकाओं के। ये देखिए मंगल द्वार पर पताकाएं किस प्रकार से फहरा रही हैं, जैसे हमारे श्याम सुंदर का पीतांबर फहरा रहा हो। बड़ा ही अद्भुत दर्शन आज श्री धाम बरसाना की पावन भूमि पर। आज ब्रज में होरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया बर जोरी रे रसिया, आज ब्रज में होरी रे रसिया। और देखिए यहाँ लड्डू होली के लिए लड्डुओं का आना शुरू हो चुका है। पूज्य महाराज श्री हाथों में लड्डू लेकर के खड़े हैं इस दिव्य होली का आनंद लेने के लिए। बड़े ही अद्भुत भाव हैं संतों के, और बड़े ही अद्भुत भाव हैं भक्तों के। हमारे ठाकुर जी की लीला हो और राधा रानी के भक्त आनंद ना लें, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बढ़ चढ़ करके आनंद लेते हैं समस्त ब्रजवासी और समस्त किशोरी जी के भक्त।
और अब आप दर्शन कीजिए, लड्डुओं की बारिश लाडली जी महल से समस्त भक्तों के ऊपर शुरू हो चुकी है। ये देखिए किस प्रकार से लड्डू बरसाए जा रहे हैं और किस प्रकार से लूट करके आनंद ले रहे हैं भक्त लोग भी। हर जगह से लड्डुओं की बारिश शुरू हो चुकी है। और आइए हम भी आप सभी भक्तों की तरफ से आज किशोरी जी के महल से ये लड्डुओं की बारिश करते हैं। आप भी मेरे साथ मानसिक रूप से इस होली का आनंद लें। बोल राधा रानी की। देखिए किस प्रकार से भक्त बीच में ही लड्डू पकड़ लेते हैं। जय हो मेरी राधा रानी की, होली के रसिया की जय। आज आपने मानसिक रूप से मेरे साथ किशोरी जी के महल से दिव्य लड्डू होली खेली है और मेरा विश्वास है कि जो पुण्य लाभ भक्तों को यहाँ पहुँच करके प्राप्त होता है आप मानसिक रूप से उसी पुण्य को घर बैठे प्राप्त करेंगे। और देखिए जीकेडी वाले भैया भी यहाँ पधारे हैं, वो भी होली का आनंद ले रहे हैं। भैया जी राधे राधे। राधे राधे प्रभु। राधे राधे। आप कैसा आनंद प्राप्त कर रहे हैं आज? अरे यहाँ कोई आनंद की कोई सीमा है क्या? सारी सीमा पार होगी आनंद की। होली के रसिया की जय। राधा रानी की। तो देखिए किस प्रकार का आनंद रसिया यहाँ लूटते हैं और किस प्रकार का आनंद रसिया हृदय में अनुभव किया करते हैं। अब आपको दर्शन कराता हूँ, जो आनंद रस किशोरी जी के श्री चरणों में बरस रहा है आप उसका भी आनंद लें, उसके भी आप दर्शन करें। और आप देख सकते हैं यहाँ किस प्रकार का आनंद रस बरस रहा है, श्रद्धालु किस आनंद रस में डूब गए हैं। आज का जो आनंद है उसको मैं अपने शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूँ कि इस आनंद रस का मैं किस प्रकार से वर्णन करूँ। इतना आनंद है हमारी राधा रानी के श्री चरणों में। और देखिए किस प्रकार से यहाँ से लड्डू बरसाए जा रहे हैं, लड्डू लुटाए जा रहे हैं, इसी को बरसाना की लड्डू मार होली कहा जाता है। उड़ते गुलाल लाल भये बदरा, उड़ते गुलाल लाल भये बदरा। आप देख सकते हैं इतनी मात्रा में यहाँ गुलाल उड़ाया गया है कि बादल भी लाल हो गए हैं। ये पंक्तियाँ आज यहाँ लाडली जी महल सच साबित हो रही हैं। और अब आप घर बैठे मानसिक रूप से हमारी राधा रानी की लड्डू होली का आनंद लें ब्रज महिमा चैनल के माध्यम से। देखिए किस प्रकार का आनंद रस लाडली जी के श्री चरणों में आज बरस रहा है। ब्रजमहिमा परिवार के भक्त पधारे हैं, आज हमें इनसे मिलकर के वास्तव में हृदय में बड़ी प्रसन्नता का अनुभव हुआ है। माता जी राधे राधे। राधे राधे। आप कहाँ से पधारी हैं? हम दिल्ली से पधारे हैं, हमारी सेवा है, आज की पूजा है हमारी यहाँ पर। अच्छा। तो हम दिल्ली से पधारे हैं, बहुत आनंद हो रहा है यहाँ पर, बहुत ही ज्यादा आनंद की इतनी अनुभूति है कि हम व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं आनंद को। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और हम आपकी हमेशा सुनते हैं ब्रजमहिमा पे, आप ऐसी ऐसी जगह का बताते हो, जबकि हम बरसाने की लड़कियाँ हैं लेकिन हम भी आज तक उन जगह के बारे में नहीं जानते जिनके बारे में आप बताते हो। बहुत ही अच्छा आप ज्ञान देते हो यहाँ के बारे में, बहुत बढ़िया। राधे राधे। धन्यवाद। राधे राधे। तो ये ब्रजमहिमा परिवार के भक्त हैं जो यहाँ आकर के किस आनंद रंग से डूब जाते हैं। और वास्तव में मुझे भी हृदय में बड़ी प्रसन्नता होती है जब ब्रजमहिमा परिवार के भक्त आकर के मुझसे मिलते हैं। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से भक्तों के ऊपर लड्डुओं की बारिश की जा रही है और भक्त भी तैयार खड़े हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लड्डुओं को लपकने के लिए तैयार हैं। बड़ा ही अद्भुत नज़ारा है आज श्रीधाम बरसाना में लाडली जी के श्री चरणों में। और एक लड्डू हमें भी प्राप्त हुआ है, आप भी इसके दर्शन करें।
और ऐसा मान के चलिए कि आप लोगों ने ये लड्डू प्रसादी प्राप्त किया है आज इस दिव्य लड्डू होली में। जय हो मेरी लाडली लाली की। मैं आपकी तरफ से और अपनी तरफ से आज लड्डू होली के पावन दिन किशोरी जी के चरणों में मैं प्रणाम कर देता हूँ। जय हो मेरी अलवेली सरकार की, जय हो लाडली लाल की, राधा रानी की जय। जय हो किशोरी, आपो हम पाप कर्मा, हम पापात्मा पाप समवा, त्राय माम सर्वेश्वरी, सर्व पाप हरो भवा, सर्व कष्ट हरो भवा, सर्व दुख हरो भवा। और मैं आप भक्तों से एक निवेदन और करना चाहूँगा कि हमने आप भक्तों की सुविधा के लिए ब्रज मेहमा परिवार व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगी। आप वहां से लिंक लेकर के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज मेहमा परिवार को आप ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि ब्रज में होने वाले संपूर्ण उत्सवों की जानकारी और समस्त मंदिरों के दर्शन प्राप्त करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ब्रज मेहमा परिवार को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आज आपने मानसिक रूप से राधा रानी की दिव्य लड्डू होली में सम्मिलित होकर के हृदय में जिस आनंद रस को अनुभव किया है, वो आनंद आपको कैसा लगा हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और हमारी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी भक्तों तक ब्रजमंडल की ऐसी अद्भुत होली के दर्शन पहुँच सकें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ब्रजमंडल की संपूर्ण होली के दर्शन आप भक्तों को प्राप्त होते रहें। तो मिलते हैं ऐसी ही अद्भुत वीडियो के साथ, तब तक के लिए श्रीधाम बरसाना, लाडली जी श्री चरणों से राधे राधे।